हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एगलेस कपकेक। इसको हम सूजी से बनाएंगे। देखिए, ये बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। सभी टिप्स मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर रखा है, इसमें हम 1/2 कप पाउडर शुगर डाल देंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे। इसमें मोटे दाने बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। रिफाइंड ऑयल के अंदर कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को हमें अच्छे से दूध के अंदर घोलना है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने दूसरा बाउल लिया है, इस पे स्ट्रेनर रख दिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ले ली है। आप बारीक वाली सूजी ही लें। अगर सूजी मोटी हो तो आप उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लें। अब जो मिक्सचर हमने तैयार करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी को फूलने में टाइम लगता है, तो इसीलिए हम इसे मिक्स करने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। अभी हम इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह नहीं डाल रहे हैं। बस हमें इसे मिक्स करना है और ढक के रख देना है। 25 मिनट से पहले आप इससे केक बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। हम कपकेक बनाने वाले हैं, तो सभी कप को इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ले ली है, इसमें थोड़ा सा मैदा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से टूटी फ्रूटी कप में नीचे जाकर नहीं बैठेगी। सूजी फूलकर तैयार हो गई है। अब बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे, थोड़ा सा येलो फूड कलर और 1/2 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस डाल दिया है। फ्लेवर आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसका एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करना है। बैटर ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर टूटी फ्रूटी को ऐड कर देंगे। टूटी फ्रूटी की जगह पे आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, उनका टेस्ट भी इसमें बहुत ही अच्छा आता है। टूटी फ्रूटी डालने के बाद अब हम इसे कप में डाल लेते हैं। कप को हमें आधा ही भरना है। थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऊपर से डाल देंगे। सभी कप हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। कढ़ाई को मैंने नमक डालकर प्रीहीट कर लिया था। अब हम इसमें कप रख देंगे और इसे 10 मिनट के लिए बेक होने देंगे। इसका ढक्कन अच्छे से लगा देंगे। 10 मिनट बाद चलिए इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, कपकेक बहुत ही अच्छे से बेक हुए हैं। अब टूथपिक से भी इनको चेक कर लेंगे। टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकला है। अगर आपका टूथपिक क्लीन नहीं निकलता है तो आप इन्हें 5 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं। कितने अच्छे से कपकेक बेक हुए हैं और बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने इनको बनाया है। चलिए मैं आपको एक कपकेक निकाल कर भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से बेक हुआ है। देखिए, ये बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है और कितनी आसानी से ये बाहर आ गया है और कितना ही स्पॉन्जी है।